झरोखा चैनल में आपका स्वागत है और इस बार हम फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी संवदिया के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है? तो चलिए पहले तो देखते हैं विशेषताएं। पहला ये कि संवदिया की विशेषता यह होती है कि जैसा संवाद दिया गया हो संवदिया को उसे उसी सुर और भाव के साथ बताना होता है। दूसरा है कि संवाद के साथ उससे जुड़े हुए भावों को भी वैसे ही अभिव्यक्त करना होता है जैसा कि भेजने वाले ने किया हो, यानी करुणा का संवाद करुणा के भाव से, आनंद का संवाद आनंद के भाव से। तीसरा है उसे संवाद को समय पर पहुंचाना होता है। और चौथा, वह संवाद की गोपनीयता को बनाए रखता है। अब इसमें आधा प्रश्न ये भी था कि गांव वालों की उसके बारे में क्या धारणा है। गांव वालों की धारणा ये है कि संवदिया वही होता है जो मेहनत मशक्कत नहीं कर सकता, जिसे खाने और सोने में ही सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और वह संवदिया का काम लेकर के अपने उसी आनंद को भोगता है। अब प्रश्न दूसरा, बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई? तो इसका उत्तर है कि जब उसे बड़ी हवेली से ये खबर मिली कि बुलाया गया है उसे और संवाद कहीं भेजना है, तो उसने कहा कि आजकल के जमाने में तो इतने डाकखाने हो गए हैं, उससे भी चिट्ठियां भेजी जाने लगी हैं, खबरें भेजी जाने लगी हैं, फिर भला उसकी क्या आवश्यकता पड़ी। प्रश्न तीसरा, बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी? उत्तर है, बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश इसलिए भेजना चाहती थी क्योंकि वह बहुत ही बुरी दशा में अपने दिन गुजार रही थी। खाने पीने और कपड़ों तक का उन्हें अभाव हो गया था, इसलिए वो मायके जाना चाहती थी। बड़ी बहुरिया के लिए मायका ही वह स्थान रह गया था जहां उन्हें आश्रय मिल सकता था। अतः वह अपने घर वालों को अपनी दशा बताने के लिए यह संदेश भेजना चाहती है। और अब प्रश्न चौथा, हरगोविंद बड़ी हवेली पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो गया? उत्तर है, हरगोविंद बड़ी हवेली पहुंच करके जिन स्मृतियों में खो गया वो ये हैं कि पहले हवेली के ठाट बाट हुआ करते थे, नौकर नौकरानियों लोगों तथा मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी। सॉरी, अब बड़ी बहुरिया को खुद ही सूपे में अनाज फटकना पड़ता है, कभी नाइन इन हाथों में मेहंदी लगाने का काम करके ही अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर लेती थी। बड़े भैया के मरने के बाद सब खत्म हो गया, तीन छोटे भाइयों ने सारी संपत्ति बांट ली और शहर चले गए। प्रश्न पांचवा, संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों छलछला आईं? उत्तर है, संवाद कहते समय बड़ी बहुरिया की आंखें इसलिए छलछला आईं क्योंकि वे अत्यंत दुखद और कष्टमय जीवन बिता रही थी और अपनी तकलीफों के बारे में मायके वालों को बताने की उनके सामने मजबूरी आ गई थी। वे अपनी दशा के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, पर अब तो बिना कहे उनका जीना भी असंभव हो गया था। प्रश्न छठवां, गाड़ी पर सवार होने के बाद संवदिया के मन में कांटे की चुभन का अनुभव क्यों हो रहा था? उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय सोचा? तो इसका उत्तर है कि गाड़ी पर सवार होने के बाद संवदिया के मन में कांटे की चुभन का अनुभव इसलिए हो रहा था क्योंकि बड़ी बहुरिया के द्वारा कहे गए दुखपूर्ण कथन उसे याद आ रहे थे कि किसके भरोसे पर अब यहां रहूंगी। एक नौकर था, वह भी भाग गया। गाय खूंटे से भूखी प्यासी बंधी रहती है, मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं? उससे छुटकारा पाने के लिए उसने यह उपाय सोचा
कि साथ वाले यात्री के साथ कुछ बातचीत की जाए ताकि समय भी कटे और मन के अंदर जो प्रश्न और सवाल उठ रहे हैं वो न उठे। लेकिन वह एक चिड़चिड़े किस्म का आदमी था, उससे कोई बात कर पाना संभव नहीं था। प्रश्न सातवां, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद ने क्यों नहीं सुना सका। उत्तर है, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद इसलिए नहीं सुना सका क्योंकि उसे यह महसूस हुआ कि यदि वे उसका गांव छोड़कर चली जाएंगे तो गांव की बहुत बदनामी होगी, गांव से लक्ष्मी ही चली जाएगी और इससे लोग कहेंगे ये कैसा गांव है और गांव वाले कैसे हैं जो अपनी एक बहू का भी पालन पोषण नहीं कर सके। उसे यह भी लग रहा था कि बड़ी बहुरिया के दुखपूर्ण संवादों को भला वह कैसे सुना पाएगा। और अब प्रश्न आठवां, संवदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है से क्या आशय है। उत्तर है, इसका आशय यह है कि संवदिया ऐसा आदमी ही होता है जो मेहनत का काम नहीं कर सकता, वह संवाद ले जाने का आसान काम करता है और इसलिए जिसका संवाद ले जाता है वह उसे खिलाता पिलाता है, रास्ते का खर्च देता है और जिसके यहाँ जाकर वह संवाद सुनाता है वहां भी उसकी खूब आवभगत होती है, उसका स्वागत सत्कार होता है, अच्छा खाना पीना मिलता है, खूब आराम करने और रहने के लिए अवसर मिलते हैं। तो इस तरह लोगों के मन में ये धारणा बन जाती है कि संवदिया तो ठाट और मजे उड़ाने वाला आदमी ही होता है। प्रश्नोमा, जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया। उत्तर है कि जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने यह संकल्प लिया कि अब वह निठल्ला नहीं बैठेगा, बड़ी बहुरिया के लिए एक बेटे के समान मेहनत मशक्कत करेगा, माँ के समान उनकी देखभाल करेगा और उनके सारे कष्टों को मिटा देगा। और अब हम करेंगे भाषा शिल्प वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, इन शब्दों का अर्थ समझिए। पहला है काबुली कायदा, तो इसका अर्थ है गांव में एक अफगानी व्यक्ति रहता था जो लोगों को कपड़े आदि उधार बेचता था। देते समय तो वह बहुत प्यार से बातें करता था पर वसूली करते समय पूरी कठोरता बरतता था। इस आचरण को ही काबुली कायदा कहा गया है। दूसरा, रोम रोम कलपने लगा, शरीर का प्रत्येक अंग दुखी हो जाना, इसका अर्थ हुआ अगहनी धान, अगहन महीने में पक जाने वाली धान की फसल। प्रश्न दूसरा, पाठ से प्रश्नवाचक वाक्यों को छांटिए और संदर्भ के साथ उन पर टिप्पणी कीजिए। तो पहला है, फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई। संदर्भ है, यह उस समय का प्रश्न है जब हरगोविंद को बड़ी हवेली से बुलावा आया था। और टिप्पणी है कि संवदिया को इस बात पर अचरज हो रहा था कि जब चारों तरफ डाकघर खुल चुके हैं तो फिर भला संवदिया के द्वारा कोई संवाद भेजने की जरूरत क्यों पड़ी। कहां गए वे दिन, इसका संदर्भ है कि यह उस समय का प्रश्न है जब हरगोविंद को याद आता है कि कभी बड़ी हवेली में दिन रात मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, ढेरों नौकर चाकर होते थे, न जाने कितनों का घर वहां से चलता था। टिप्पणी, बड़े भैया के मर जाने के बाद बाकी के भाइयों ने ऐसा बंटवारा किया था कि अब बड़ी बहुरिया दाने दाने को मोहताज हो गई थी। तीसरा, और कितना कड़ा करूं दिल, तो इसका संदर्भ है कि यह उस समय का प्रश्न है जब बड़ी बहुरिया अपनी दुखपूर्ण हालत से तंग हो जाती है। टिप्पणी है, दुखों को सहते सहते वह असहनीय स्थिति आ गई है कि अब और सहना असंभव हो गया है। चौथा, बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, संदर्भ है यह उस समय का प्रश्न है जब बड़ी बहुरिया संवदिया को संवाद दे रही है।
और टिप्पणी है कि बथुआ असल में एक प्रकार का खरपतवार है जो खेत की मेड़ों पर अपने आप ही उग आता है। निर्धन लोग इसकी भाजी पकाकर खाते हैं। बड़ी बहुरिया भी इसी पर अपना जीवन चला रही थी, पर अब वह भी कठिन होने लगा था। पांचवा, किसके भरोसे यहां रहूं? संदर्भ यह उस समय का प्रश्न है जब बड़ी बहुरिया संवदिया को संवाद दे रही है। टिप्पणी है, पति की मृत्यु के बाद सभी देवरों ने उनकी तरफ से अपनी आंखें फेर ली हैं, वे अब किस पर भरोसा करें। और प्रश्न तीसरा है, इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। पहला है, बड़ी हवेली अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है। इसकी व्याख्या है, पहले जब बड़े भैया थे तब हवेली के भारी ठाट बाट हुआ करते थे, बहुत से नौकर चाकर होते थे। अब तो खुद बड़ी बहुरानी ही नौकरानी जैसी हो गई है, समय बदल गया है। ख, हरगोविंद ने देखी अपनी आंखों से द्रौपदी की चीरहरण लीला। व्याख्या, जिस तरह महाभारत कथा में द्रौपदी की चीरहरण लीला का वर्णन है, उसी तरह बड़े भाई के मर जाने पर तीनों देवरों ने बड़ी बहुरिया की साड़ी के तीन टुकड़े करके आपस में बांटे थे। ग, बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? व्याख्या है, बथुआ एक प्रकार का खरपतवार है जो खेत की मेड़ों पर अपने आप उगता है और वे उसे खाकर ही अपना जीवन चला रही थी। घा, किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा? व्याख्या है, संवदिया अपने गांव की बहू के दुखों का संवाद सुनाने की हिम्मत नहीं बटोर पाता, वह असमंजस में रहता है कि संवाद कैसे सुनाए। इससे उसके गांव की बदनामी होगी कि ये कैसा गांव है जहां पर एक बहू का जीवन नहीं चल सकता। तो यह था फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी, संवदिया के प्रश्नोत्तरों वाला हिस्सा। अगली बार हम फणीश्वरनाथ रेणु जी का जीवन परिचय करेंगे। आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।